हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूँ तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ मैं उड़ा डिफेंस डे 2021 PAF सॉन्ग ऑफिशियल सॉन्ग, एंड इसको अली जफर ने गाया है। PAF सॉन्ग, पाकिस्तान एयरफोर्स सॉन्ग। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बचपन में कागज के जहाज उड़ा, गली में हाथों को यूं फैलाना, क्या बात है, कि जैसे अभी हवा में उड़ जाएंगे। बड़ों से सुने ये कुछ स्पेशल आलम और रफीकी के किस्से, कुछ उन्हीं जैसा कर जाने का जुनून। इसी शौक के परवाज को दिल में लिए शाही सिफ्त मुजाहिद का हर बार ऐसी परवाज पे जाना कि जो दुश्मन को लर्जा दे। यही जज्बाए जुनून है, यही इश्क है अपनी मिट्टी से, और इस इश्क की कोई इंतहा नहीं। जफर आवाज दमदार, मजा आने वाला है। मैं उड़ा, कोई रास्ता नहीं जिससे मैं गुजरा नहीं इन राहों में। मैं बेखौफ हूँ न डर, रहता हूँ तेरे दिल दुआओं में। मेरा खून है गरम, मुझ में है वो भरम, झुकाना कभी। ये जमीन मेरा वतन, आसमां मेरा चमन, रोके ना कोई। कशा हूँ एक दास्तां हूँ, मर भी जाऊं अगर दिल में तेरे रहूंगा। जाए मेरी रब के हवाले, है मेरे वतन, हम है तेरे रखवाले। चमकेंगे तेरे लिए, चमकेंगे तेरे लिए ये रंग मेरे। इस जहां पे छाएंगे तारों को, ले आएंगे कदमों में तेरे।
बहुत बढ़िया, म्यूजिक से लेके लिरिक्स सारी चीजें। ओह तो ये था गाना, बहुत ही मतलब ये गाना था जोश से भरा हुआ, मतलब इतना जुनून गाने में, इतना म्यूजिक से लेकर लिरिक्स और लिरिक्स से लेकर उनकी आवाज़, अली ज़फ़र की आवाज़ दमदार है, थोड़ी सी मोटी साउंड करती है लेकिन वो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, ऐसी कि आपके अंदर जोश बढ़ देती है। ऐसे गानों को लेकर जो नेशनल सॉन्ग्स होते हैं, मिली नगमे होते हैं, और उनको अगर आप ऐसी आवाज़ों में सुनो तो आपके अंदर तक जाएंगे और आप उसको ज़्यादा, आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे वो, क्योंकि उसमें आवाज़ एक तो ऐसी मिल रही है, उसके बाद लिरिक्स ऐसे मिल रहे हैं, और एफर्ट्स और टैलेंट सब कुछ मिलना चाहिए, तब जाकर आपको परफेक्ट लगता है गाना। और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, टू द इनक्रेडिबली ब्रेव सर्विसेज ऑफ द हीरोज PAF हु फॉट फॉर द सेफ्टी फॉर दिस मदरलैंड ड्यूरिंग द 1965, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह था ये गाना, और बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने PAF के सॉन्ग्स में देखा है कि डिटेल्स नहीं दी रखी होती हैं, सारी कंपोजिशन वगैरह वगैरह वो शायद इसके एंड में थी, गाने के एंड में मैंने पढ़ा नहीं उसको ढंग से, लेकिन इसमें लाइटिंगेल का मैंने जो देखा है, जो प्रोडक्शन हाउस या फिर एक उनका चैनल है लाइटिंगेल अली ज़फ़र का, तो उस उन्होंने सब कुछ किया होगा इसके लिए। एंड जो शुरू में वो जो गूज़बम वाली मूवमेंट थी, जो अली ज़फ़र की आवाज़ निकल कर आ रही थी, बहुत ही गहराई से निकल कर आ रही थी, क्लैरिटी के साथ, जो शुरू में वो बोल रहे थे कि वो बचपन में जहाज़ों को, कागज़ के जहाज़ों को बनाकर उड़ाना, और रफ़ीकी और एक नाम और लिया था उन्होंने, उनके किस्से सुनना सुनाना, कुछ इस टाइप से उन्होंने बोला था, तो वो जो पार्ट था एक स्टार्टिंग का, बहुत ही सही था इस गाने में, कह सकते हैं कि बेस्ट पार्ट्स में से एक पार्ट था वो, बहुत ही सही लगा मुझे। उसके बाद जो सीन्स आते हैं, जो इसके बाद लिरिक्स आते हैं, कोई रास्ता नहीं जिनसे मैं गुजरा नहीं इन राहों में, मैं बेखौफ हूँ निडर रहता हूँ तेरे दिल और दुआओं में, मतलब कमाल के लिरिक्स थे। जो भी एयरफोर्स के विजुअल्स थे इसमें, वीडियोस थी बहुत ही कमाल की, बहुत सारी जो लड़ाकू मिसाइल्स थी वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली, बहुत सारी इसमें ऐसी मूवमेंट्स थी जिस पर आपको जोश और रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे मूवमेंट को देखकर, ऊपर से सुनते हुए उन विजुअल्स को देखना, एक गूज बम्स रोंगटे खड़े कर देने वाला मूवमेंट होता है, मुझे बहुत सही लगा ये गाना। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिली नगमा पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइन।